हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, शरद नवरात्रि आने वाले हैं। 2024 में शरद नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से प्रारंभ हो रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपको शरद नवरात्रि प्रारंभ होने की खुशी में सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब इस दिन करना क्या है आपको? अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको कलश स्थापना आप करेंगे, तो वो मुहूर्त क्या है? तो 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 7:23 पर अगर आप कलश स्थापित कर रहे हैं तो कर सकते हैं, पूजा भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अभिजीत मुहूर्त जो है 11:52 से लेकर 12:40 पर रहेगा। इन दोनों मुहूर्तों में आप कलश स्थापित भी कर सकते हैं, साधारण पूजा भी आप कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि 2024 में माता की सवारी क्या रहेगी? मतलब माँ जो है धरती पर रहती है 9 दिनों तक, तो वो कौन से वाहन पर बैठकर आ रही हैं? क्योंकि जिस वाहन पर बैठकर आती हैं उसी वाहन पर वो वापस होती हैं। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार इस बार जो माता आ रही हैं, मतलब वो उनका वाहन है डोली। और जब डोली पर माता आती हैं तो धरती पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, घर में सुख समृद्धि और पूरे देश में मतलब शांति का वातावरण होता है और सारे देश में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके ऊपर एक श्लोक भी आता है, देवी भागवत पुराण में कहा गया है, ध्यान से आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। श्लोक इस प्रकार, शशि सूर्य गज रुणा शनि भूमे तुरंग में गुरु शुक्रेज दौलाय में बुद्धे नौका प्रकृतिर्ता। इसका मतलब ये है कि देवी भागवत पुराण के इस श्लोक के अनुसार बार के अनुसार देवी का आगमन और प्रस्थान का वाहन का निर्णय लिया जाता है। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार को होती है तो माँ हमेशा हाथी पर बैठकर आती हैं, मंगलवार शनिवार को घोड़े पर बैठकर आती हैं, शुक्रवार को माँ डोली और गुरुवार को भी डोली में आती हैं। तो इस बार कब से शुरू हो रहे हैं? गुरुवार को, यानी कि डोली पर बैठकर आ रही है माता। देश के लिए भी और घर में जो लोग रह रहे हैं मतलब घर घर ग्रस्त वालों के लिए भी डोली पर जब माता आती हैं तो घर में सुख समृद्धि लेकर आती हैं। बुधवार के दिन आएंगी तो नौका पर सवार होकर आएंगी। ये बार के अनुसार तय होता है, ये बात तो एक हो गई आपके लिए। अब शरद नवरात्रि 2024 की जो तिथियां हैं वो किस प्रकार रहेंगी? पहला दिन जो नवरात्रि का रहेगा वो माँ शैलपुत्री का रहेगा, जो कि 3 अक्टूबर 2024 को है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का है, ये 4 अक्टूबर 2024 को रहेगा। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा का है, ये 5 अक्टूबर 2024 को रहेगा। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा का, ये 6 अक्टूबर 2024 को रहेगा। नवरात्रि का पाँचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा का है, जो कि 7 अक्टूबर 2024 को रहेगा। छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा का है, 8 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। और नवरात्रि का जो सातवां दिन है वो माँ कालरात्रि की पूजा का है, यानी माँ काली की पूजा का, ये 9 अक्टूबर को पड़ेगा। और नवरात्रि का आठवां दिन मतलब दुर्गाष्टमी बनाई जाएगी और माता की पूजा होगी विधिवत, ये होगी आपकी 10 अक्टूबर 2024 को। नवरात्रि का नौवां दिन महा गौरी का माना जाता है और सिद्धिदात्री माता का माना जाता है, जो कि 11 अक्टूबर 2024 को पड़ेगा। अब आता है विजयदशमी का दिन, जो 12 अक्टूबर 2024 को होगा, इसी दिन दुर्गा विसर्जन होगा। दोस्तों, ये बातें होंगी तिथि के अकॉर्डिंग। अब आती है, अगर आप 9 दिन तक पूजा कर रहे हैं तो अति उत्तम है, आप कलश स्थापित भी करेंगे, और साधारण पूजा कर रहे हैं तो आप माँ की चौकी स्थापित करेंगे, लाल कपड़ा बिछाएंगे। यह हालांकि आपको कलश स्थापित करें तो भी करना पड़ेगा, लेकिन कलश स्थापना करने के बाद आप घर को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। अखंड ज्योति जला दी तो आपको 9 दिन तक घर में रहना पड़ेगा, यानी कि घर को खाली नहीं छोड़ना, ये नियम तो है। तो अगर कलश स्थापित कर रहे हैं तो आपको चौकी स्थापित करनी है और लाल कपड़ा बिछाना है और उस पर माँ की फोटो रखनी है। माँ की फोटो सीधे नहीं रखनी है, उस पर आप अष्ट दल कमल बना सकते हैं। कलश स्थापित करना है तो उस पर भी आप अष्ट दल कमल बनाएं। आप किससे बनाएंगे? रोली से बना सकते हैं, आप हल्दी से बना सकते हैं, गुलाल से बना सकते हैं। उस पर चावल की डेरी पर आपको कलश स्थापित कर देना, कलश में 5 चीज़ें डाल दें, रोली है, चावल है, इलायची है, सुपारी है, दुर्वा है, और बतासा भी डाल सकते हैं, सिक्का भी डाल सकते हैं, आप फूल भी डाल सकते हैं, और उसमें जो है आम के पत्ते लगा दें। और आम के पत्ते लगाने के बाद उस पर आप रोली से बिंदी भी कर सकते हैं और ऊपर एक नारियल रखेंगे, लाल कपड़ा बांधकर स्वस्तिक बनाकर, और लोटे पर भी आप स्वस्तिक बना दें और आप इसमें वो बांधेंगे मोली, इसमें लोटे में और नारियल में भी। इस तरह आपको कलश स्थापित करना है, क्योंकि सभी को ये विधि पता है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दी। ये तो आ गई कलश स्थापना। अगर आपने घर में कर ली कलश स्थापना और जौ बीजने जा रहे हैं और 9 दिनों तक की पूजा का संकल्प किया है तो आपको घर खाली नहीं रखना, यानी घर पर कोई ना कोई बना रहना चाहिए, खाली घर छोड़कर ताला लगाकर नहीं जाना है। अब इन 9 दिनों कैसे पूजा करेंगे? आप व्रत का संकल्प करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का एक एक पाठ कर सकते हैं, यानी अगर आपको टाइम मिल रहा है और नहीं मिलता तो एक एक पाठ आप 9 दिन तक पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनकी आरती करें,
माँ की दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माँ के भजनों का गुणगान कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यानी जैसा आपको समय उसके अकॉर्डिंग आप पूजा करें और प्रतिदिन जो है एक छोटा सा हवन आप करें, क्योंकि माँ को हवन अति प्रिय है। हवन लघु रूप में भी कर सकते हैं, आप बतासा रख दें, कुछ मिष्ठान रख दें, उसमें लौंग डाल दें, कपूर डाल दें और माँ की आरती के साथ उस जो आपने आहुति दी है माँ को, आहुति के माध्यम से माँ भोग ग्रहण करती है, क्योंकि माँ को सबसे ज़्यादा हवन करना ही पसंद है, आहुति लेना ही पसंद है। मेरा कहने का मतलब ये है, तो ये कार्य आपको करना है। अंत में आपको क्षमा याचना मांगनी है। तो इस तरह आपको 9 दिन तक लगातार पूजा करनी है। तो दोस्तों सत नवरात्र आ रहे हैं, अभी हाल में ही स्टार्ट हैं 3 अक्टूबर से। माँ का विधिवत आप स्वागत करें और उनका इंतजार करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। कमेंट में शिवाय जरूर लिखें और साथ में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।